नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ पर आज की सबसे बड़ी खबर। 16 जनवरी से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ट्रकों में भरकर रवाना भी हो गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश के नेताओं को नसीहत दी है कि जब भी उनका नंबर आए वैक्सीन जरूर लें, लेकिन किसी भी प्रकार के नियमों को ना तोड़ें। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर भारत को वैक्सीन के लिए विदेशी वैक्सीन पर निर्भर होना पड़ता तो हमें इतनी मुसीबत हो जाती कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी बताया है कि आप लोगों से चर्चा करके ही यह तय किया गया है कि टीकाकरण में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले टीका उन लोगों को दिया जाएगा जो लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिस जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा।